हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल ब्लॉग्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट मॉइस स्पॉन्जी, जो कि है टूटी फूटी केक। और इसे हम बिना एग्स, बिना ओवन, घर की नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे, जो कि बहुत ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। तो इसका ना एक बार आप मेजरमेंट जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी चीज को फॉलो करके आप बनाइएगा। आपकी रेसिपी एक बार में ही बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले ना टूटी फूटी को तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच टूटी फूटी लिए हैं और 1 चम्मच मैदा डाल के इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे, ताकि जब हम केक बनाएंगे ना तो उसमें एक साथ ये चेरीज टूटी फूटी चिपके ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब ना इसे हम साइड में रखते हैं, तब तक बाकी की तैयारी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे बाकी की तैयारी करने से पहले ना हम पहले देसी ओवन को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोटे तले का कढ़ाई ले लिया है और उसके अंदर एक कटोरी डाल के 10 मिनट तक हम हीट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैटर बनाने के लिए 1/3 कप ऑयल यूज किया है और 3/4 कप पीसी हुई चीनी। ये घर की नॉर्मल चीनी है जिसे मैंने मिक्सर जार में रख के ग्राइंड कर लिया था। तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुकी है। तो इसे ना हम अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे विस्क की हेल्प से, जब तक कि इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी ना हो जाए। तकरीबन 30 से 40 सेकेंड तक हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। और यहीं पे हम डाल देंगे 1/2 कप दूध और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक चीनी घुल ना जाए दूध के साथ। तो इसे भी हम फेंटते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकेंड तक। तो अब यहीं पे हम 1/4 कप मैदा भी ऐड कर देंगे। मैदे को मैंने छान लिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है और 1 पिंच नमक भी डालेंगे। तो अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को क्या करेंगे, एक स्पैचुला की हेल्प से ना कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पे ना बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बैटर को मिक्स करना है, वरना केक स्पॉन्जी की जगह डेंस बनेगी, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ना हम एकदम हल्के हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी बैटर थिक लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून और मिल्क ऐड किया है और ना इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। तो अभी यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए ना 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड किया है। आप यहाँ पे पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पे हम डाल देंगे टूटी फूटी जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तो इसे भी एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, मोल्ड को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं या फिर आप ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं और मैदे से थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए, तब भी केक हमारी चिपकेगी नहीं, बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ऑयल से चारों तरफ ग्रीस कर दूंगी, अच्छे से ब्रश कर लूंगी। यहाँ पे आप केक टिन की बात करें ना तो आप कोई सा भी टिन ले सकते हैं, स्क्वायर टिन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिटेंगल टिन का यूज किया है। तो इसे हम अच्छे से ब्रश कर लेंगे ताकि केक हमारी इजिली निकल जाए, डीमोल्ड हो जाए। और यहाँ पे ना 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करके चारों तरफ से अच्छे से हम टिन को कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टिन को कोट कर लिया है और बाकी मैदे, बचे हुए मैदे को ना डस्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे बैटर भी हमारा रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, बैटर को टिन के अंदर डाल देंगे और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल फ्लोई है, रिबिंग जैसा इसका टेक्सचर है, तो हमें ऐसा ही चाहिए।
हम अच्छे से बैटर को निकाल के टिन में फिल कर लेंगे और एक बार ऐसे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे टिन हमारा रेडी है। अब हम इसे डाल देंगे कढ़ाई में, तकरीबन यहाँ डाल के रखेंगे 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे हमें बेक करना है और बीच बीच में ना जरूरत पड़े तो चेक करते रहेंगे हम। इसे एकदम लो फ्लेम पे रखना है हमें। तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 मिनट पूरे हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे ही बेक किया है और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो बीच बीच में मैंने चेक किया हुआ था, तो अभी एक ना टूथपिक हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर निकली है, यानी कि केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को ना बिल्कुल सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को बाहर निकाल लिया है और अभी ना क्या करेंगे, एक कॉटन के कपड़े से इसे ढक के रखेंगे ताकि ऊपर वाले हिस्से इसके ड्राई ना पड़े। तो यहाँ पे हम केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो पहले हम एक नाइफ की हेल्प से ना इसके कॉर्नर्स को साइड्स को अलग कर लेंगे ताकि केक हमारा बहुत ही आसानी से निकल जाए, निकालने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने साइड्स को अलग कर लिया है, तो इसे अब हम डीमोल्ड करते हैं। तो इसे हम पलट के थोड़ा सा ना टिन पे गैप गैप करके निकाल लेंगे। यहाँ से बहुत ना सावधानी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो केक हमारी टूट जाएगी। और आप ना इसे ठंडा करके ही डीमोल्ड कीजिए, गर्मा गर्म बिल्कुल डीमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो केक हमारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बिना बटर पेपर के कितनी आसानी से हमारी केक टिन बहुत ही आसानी से निकल गई और केक का टेक्सचर आप देख रहे हो कि कितना अच्छा आया है, कितना स्पॉन्जी केक बना है। मैं आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से दिखा रही हूँ। तो अब ना इसे हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। और यहाँ पे केक थोड़ा सा गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है पूरी तरह से। मेरे बच्चों से ना बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रही थी, आप देख पा रहे होंगे मेरे छूने से कि केक कितना सॉफ्ट बना है हमारा। तो इसे ना हम फटाफट से काट लेते हैं। वैसे अभी काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे बहुत मेरा सिर खा रहे हैं कि मम्मा मुझे काट के जल्दी से दे दो। फिर मैं क्या करूं, फिर मैंने कहा कि चलो मैं गर्मा गर्म में ही कट कर लेती हूँ, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आप ना केक को थोड़ी देर ठंडा करके उसके बाद कट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं केक को काट लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना हम केक की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे मैं आपको एक दिखाती हूँ कि हमारा केक कैसा बना हुआ है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि केक हमारा कितना सॉफ्ट बना हुआ है। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी जालियाँ आई हैं इसमें। तो इसे ना मैंने कढ़ाई में बेक किया है और ये मार्केट वाली ब्रिटानिया केक लग रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।